हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस लिस्ट सेट करना। तो प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा और यहाँ पर F11 बटन प्रेस करना है। अब F11 बटन प्रेस करने के बाद हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स पर आएंगे। कहाँ आएंगे? इन्वेंट्री फीचर्स पर। अब इंटर बटन प्रेस करते हैं इन्वेंट्री फीचर्स पर और जिस कंपनी का प्राइस लिस्ट सेट करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। तो किंग टेक्नोलॉजी पर बटन प्रेस करते हैं और किंग टेक्नोलॉजी को सेट किए और यहाँ हम लोग इस सेल्स मैनेजमेंट में आएंगे। ये सेल्स मैनेजमेंट में ये देखिए, यह है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इसे ही जो नो है इसे यस करना होगा। तो यहाँ पर आने के लिए इंटर बटन प्रेस करते चले जाइए और चले आइए यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स पर। वाई बटन प्रेस किए, यस हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं प्राइस लिस्ट वन। प्राइस लिस्ट वन हम लोग लिख दिए तो ये हमारा एक तरह का प्राइस लिस्ट डिफाइन होने के लिए हेडिंग बन गया, प्राइस लिस्ट वन। इंटर बटन प्रेस करते हैं और दूसरा हमें नहीं बनाना है तो इंटर बटन प्रेस कीजिए। इंटर 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 एक्सेप्ट यस। तो ये हमने प्राइस लिस्ट वन बनाया। अब एस्केप बटन दबाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में चले आते हैं। अब हमें क्या करना है, इस प्राइस लिस्ट वन को डिफाइन करना होगा। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं और यहाँ इन्वेंट्री इन्फो में प्राइस लिस्ट पर आएंगे। ये देखिए प्राइस लिस्ट रहता है, कहाँ रहता है प्राइस लिस्ट? इन्वेंट्री इन्फो में। प्राइस लिस्ट कहाँ रहता है? इन्वेंट्री इन्फो में। अब यहाँ आए और इंटर बटन प्रेस किए तो ये खुल गया प्राइस लिस्ट। अब इसमें स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करना होगा क्योंकि प्राइस लिस्ट जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो किसी स्टॉक ग्रुप के लिए। इंटर बटन प्रेस किए, यदि सारे आइटम्स के लिए तो ऑल आइटम्स लेंगे और यदि सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का तो फिनिश्ड गुड्स सेलेक्ट लीजिए। तो फिनिश्ड गुड्स के लिए हम लोग सिर्फ बनाने जा रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स लिए। और लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल्स, जितने भी प्राइस लेवल्स होंगे वो यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे तो उसमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा प्राइस लिस्ट वन है। और ये एप्लीकेबल कब से होगा तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में कब से एप्लीकेबल कर रहा है। 26/11/2017। तो यहाँ हम लोग डेट दे देते हैं 26/11/2017। इंटर बटन हो गया। अब हमारा प्राइस लिस्ट जो सेट होगा उसका कंडीशन क्या है जो देखिए, कंडीशन से हमारा कि कंप्यूटर i3 का रेट रहेगा 35,000 और उस पर 10% का डिस्काउंट रहेगा। तो चलिए कंप्यूटर i3 सेलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर i3 और कितना भी क्वांटिटी हो रेट कितना रहेगा 35,000 का सैकड़ा हजार 10,000 और डिस्काउंट दे दिया इस पर 10% हो गया। उसी तरह से कंप्यूटर i5 के लिए कितना भी क्वांटिटी हो रेट रहेगा 42,000 का सैकड़ा हजार 10,000 और रेट होगा कितना, डिस्काउंट कितना होगा 10%। उसी प्रकार से फैक्स मशीन्स के लिए आपको यदि 0 से 5 तक क्वांटिटी रहेगा, यानी 1, 2, 3, 4 रहे, लेस देन 5 से कम, यहाँ क्या है फ्रॉम और ये लेस देन 5 से कम यानी 4 तक यदि रहेगा तो रेट रहेगा 17,500 और यदि 5 और 5 से ज्यादा हो तो रेट रहेगा 16,800 फ्लैट डिस्काउंट सेट किए। तो इस प्रकार से हम लोग रेट सेट कर सकते हैं टैली में प्राइस लिस्ट के अनुसार। अब इंटर बटन प्रेस किए, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट यस। तो हम लोगों ने प्राइस लिस्ट यहाँ बना लिया। अब इंटर बटन एस्केप बटन दबाते हैं, एस्केप और गेटवे ऑफ टैली में चले आए। तो किस तरह से प्राइस लिस्ट बनाए ये आप लोगों ने सीखा। कैसे बनाए? सबसे पहले हम लोगों को F11 बटन प्रेस करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, इन्वेंटरी फीचर्स में, और इन्वेंटरी फीचर्स पर इंटर बटन प्रेस करेंगे और कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट में आएंगे और यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट पर आएंगे। चलिए कैसे जाते हैं, इंटर बटन प्रेस करके देखिए आ गए और यहाँ यस पर इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कंपनी प्राइस लेवल्स वन आ गया। चलिए दूसरा मैं बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ न्यू प्राइस लिस्ट। न्यू प्राइस लिस्ट दिए, इंटर इंटर। अब इंटर बटन प्रेस करते चले गए, एक्सेप्ट यस। नया प्राइस लिस्ट तो बनाया लेकिन उसको डिफाइन नहीं किए। अब डिफाइन करने के लिए एस्केप बटन दबाकर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और कैसे डिफाइन करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाकर। वेरी गुड, इन्वेंट्री इन्फो में आए। अब कहाँ जाएंगे, प्राइस लिस्ट में। चलिए प्राइस लिस्ट में आ गए, इंटर बटन। अब स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और जिसके लिए डिफाइन करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। हम लोग फिनिश्ड गुड्स को सेलेक्ट किए और कौन सा प्राइस लिस्ट को डिफाइन करना है, न्यू प्राइस लिस्ट। तो न्यू प्राइस लिस्ट लेंगे, 26 नवंबर 2017 से वैलिड है। चलिए
अब जैसे मैं कंप्यूटर i3 लिया और इसका रेट दे देता हूँ 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और सॉरी लेस देन, यदि 5 से कम खरीदेगा तो रेट रहेगा 40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 डिस्काउंट मिलेगा 10%। क्लियर? 5 से ज्यादा रहे, 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे और क्वांटिटी 10 तक रहे, यानी 6 7 8 9 लेस देन है 10 तो 11 कर देते हैं। 5 से 10 तक अगर रहेगा तो रेट तो रहेगा 40,000 ही, कायदा है सैकड़ा हजार 10,000, लेकिन इस पर डिस्काउंट मिलेगा 20% का। और 11 से ज्यादा रहेगा तो रेट रहेगा 40,000 ही, कायदा है सैकड़ा हजार 10,000, लेकिन डिस्काउंट मिलेगा 30%। इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर i5 का सेट करते हैं, ठीक है? अगर रेट क्वांटिटी रहेगा 5 तक, यानी 6 से कम, यानी 1 से 5 तक रहेगा तो रेट रहेगा 60,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लेकिन डिस्काउंट रहेगा कितना? 20%। अगर 6 रहे या 6 से ज्यादा रहे लेकिन 10 तक रहेगा तो 11 लिख दिए, रेट रहेगा 60,000 ही इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लेकिन डिस्काउंट रहेगा कितना? 30%। और 11 से ज्यादा रहा तो रेट तो वही रहेगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लेकिन डिस्काउंट रहेगा कितना? 50%। अब इसी तरह से फैक्स मशीन का भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। चलिए फैक्स मशीन का छोड़ दें, नहीं तो डिफाइन करते हैं। फैक्स मशीन का हम लोग करते हैं, अगर 6 तक लेगा 5 तक लेगा तो 6 लिख दिए और तो रेट रहेगा कितना? 6,000 रुपया, सॉरी रेट देते हैं 16,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,000। और अगर 6 से ज्यादा रहे तो रेट रहेगा कितना? 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000। देखिए हमने प्राइस लिस्ट बना दिया, इंटर बटन प्रेस करते हैं, इंटर एक्सेप्ट, यस प्राइस लिस्ट हमने बना दिया। अब इसके बटन दाबते हैं और हम लोग सेल्स में चलते हैं, सॉरी सेल्स में चलते हैं। तो कहाँ जाएंगे? काउंटिंग वाउचर्स में। और सेल्स खोलेंगे कैसे? एफएट से। एफएट से सेल्स खोले तो हमारे को देखिए यहाँ डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है तो कैसे आएगा? अगर ये इस तरह का सवाल आए और नहीं आए तो हम लोग क्या करते हैं, F11 बटन प्रेस करते हैं और हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट का कॉलम कहाँ है, खोजना शुरू करते हैं। F2 में जाते हैं और F2 हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री फीचर्स। F2 दाबे तो इन्वेंट्री फीचर्स आ गया। और यहाँ देखिए मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज है ना, और इंटर परचेज ऑर्डर, यस सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, चलिए इनेबल। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो आपको कोई चीज नहीं मिला, आपका डिस्काउंट नहीं मिला। F1 दाबते हैं, यहाँ देखते हैं तो इंटीग्रेट अकाउंट इन्वेंट्री मेंटेन बैलेंस, चलिए यहाँ देख रहे हैं आपका इनेबल इनवाइसिंग डेबिट क्रेडिट नोट्स मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स, चेक प्रिंटिंग है आपका, इनेबल जीरो बैलेंस्ड, और खोज नहीं पा रहे हैं, देखना होगा कहाँ पर है ना, डिस्काउंट का कॉलम कहाँ है वो हमें खोजना है। तो देखते हैं F2 बटन दाबकर फिर इनेबल जीरो मल्टी बेन मल्टीपुल स्टॉक कैटेगरीज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज, इनेबल परचेज ऑर्डर, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवाइसिंग, डेबिट क्रेडिट नोट और ट्रैक एडिशनल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स, आ गया ट्रैकिंग ऑर्डर, रिजेक्शन, चलिए नहीं मिलता है तो एक्सेप्ट यस दाबते हैं। पार्टी अकाउंट में हम लोग कैश सेल करना शुरू करते हैं, कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ प्राइस लिस्ट आया, न्यू प्राइस लिस्ट, कंप्यूटर लेते हैं हम लोग i3, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन मैनखुंड गोडाउन से ले लेते हैं और बैच नंबर 2 क्वांटिटी हम डाल देते हैं 12 पीस, ठीक है। निगेटिव स्टॉक दिया, चलिए निगेटिव स्टॉक ही इंटरप्रेट प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए रेट दे रहा है 40,000
आपको 4,80,000। F12 बटन दाबते हैं एंड यूज कॉमन लेजर पूरे कॉन्स्ट्रक्शन। आपका परसेंटेज का हमारा डिस्काउंट नहीं आ रहा है। F11 मल्टीपल बिल मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज मेंटेन पेरोल मेंटेन दर इनेबल इनवाइसिंग डेबिट क्रेडिट नोन इनेबल चेक प्रिंटिंग। कहाँ छुप गया है, मिल नहीं रहा है, देखना होगा, उसे खोजना होगा। डिग्रेड डाउन स्टॉक सेपरेट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जॉब ऑर्डर रिकॉर्ड सेपरेट। देखिए यहीं पर है और हमें दिख नहीं रहा है, इनवाइसिंग में रहता है, सॉरी इनवाइसिंग में ही रहता है। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेज, तो इसे यस करना होगा। तो यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेज को जैसे ही आप यस कीजिएगा कि जो हमारे को डिस्काउंट कॉलम यस नहीं आ रहा था वो आने लगेगा। देखिए डिस्काउंट कॉलम आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया है ना। अब देखिए कैश है, प्राइस कंट्रोल है, यहाँ देखिए प्राइस लिस्ट नहीं लिया गया, नॉट अप्लीकेबल। मैं प्राइस लिस्ट लेता हूँ, न्यू प्राइस लिस्ट, न्यू प्राइस लिस्ट लेते हैं कंप्यूटर i3, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। मैनखंड गोडाउन से बैच 2 12 नंबर बेच रहे हैं, निगेटिव स्टॉक दे रहा है फिर भी बेच रहे हैं। एंड ऑफ लिस्ट देखिए 30% का डिस्काउंट दिखा रहा है, दिखाया ना, प्राइस लिस्ट लिए तो न्यू प्राइस लिस्ट के अनुसार ऑटोमेटिक आ गया। हमें रेट नहीं दाबना है, डिस्काउंट नहीं दाबना है, ऑटोमेटिक आ गया। अब इसी तरह से देखिए सेल्स एट द रेट ऑफ 18% आया। अब देखिए कंप्यूटर i5 लेते हैं, कंप्यूटर i5 लिए और नॉट एप्लीकेबल, लिस्ट ऑफ ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन मैनखुड गोडाउन से लेकर बेचते हैं और बैच 2 15 PC से सेल करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट देखिए 50% का डिस्काउंट आ गया, अपने आप आ जाता है ना। इंटरमीडिएट सेल्स एट 18%। देखिए फैक्स मशीन सेल करता हूँ, देखिए नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और गोडाउन मैनखुड गोडाउन से लेते हैं और दे देते हैं क्वांटिटी 12 पीस, एंड ऑफ लिस्ट देखिए रेट लिख दिया 15,000 ऑटोमेटिक। न्यू प्राइस लिस्ट के अनुसार रेट ऑटोमेटिक ये आ जाता है ना, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये काम कर सकते हैं। सेल्स एट द रेट ऑफ 28% इंटर, और उसका CGST लेंगे और हमारा GST आ जाएगा, उसका फिर SGST लेंगे। तो हम लोग कैश सेल्स इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ये काम बहुत आसान है।